नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बाजारों की चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी की कि आज शाम के कारोबार में किस कमोडिटी में तेजी या मंदी देखने को मिली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी की। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा। अमित सजेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि नॉन एग्री कमोडिटी में अगर हम बात करें सबसे पहले तो सोने चांदी की, तो आज एमसीएक्स पर सोना जून वायदा में 50,142 पर कारोबार कर रहा है और वहीं एमसीएक्स पर चांदी 61,242 पर कारोबार कर रही है। तो आज सोने चांदी का बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, तो अमित जी आपके अकॉर्डिंग कैसा रहेगा सोने चांदी का बाजार? जी नमस्कार। देखिए, हमने देखा है कि पिछले दो या तीन सेशंस में डॉलर इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहा है वहां पर 105 से लगभग 103.40 की एक फॉल देखने मिली है, लगभग 1.5% की। इसके चलते हमने सारे ही कमोडिटीज में कहीं ना कहीं एक पुलबैक देखा है और उसमें गोल्ड और सिल्वर भी शामिल है। आज भी अगर हम देखें तो गोल्ड में हालांकि ओपनिंग जो हुई थी वो नेगेटिव थी या लोअर एंड पे थी, 50,000 के करीबी प्राइस पे हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सुबह के सत्र के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक रिकवरी जारी है और ये रिकवरी मेरा मानना है कि शास्त्री सेशन में भी जारी रहेगी और 50,500 की जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा रिटेस्ट हो सकते हैं। तो मैं 50,000 के करीब यानी 50,050 के करीब अगर प्राइस मिलती है तो वहां पर बाइंग करने की सलाह दूंगा 49,800 या 850 के स्टॉक के साथ। अपसाइड में मेरा मानना है कि जो पिछले दो दिनों में 50,500 से 550 के रेवल्स दिखे थे वो दोबारा गोल्ड में रिपीट हो सकते हैं। वहीं जहाँ चांदी का सवाल है, चांदी में भी हमने बड़ी रिकवरी देखी है, 58,200 के आसपास की जो लोस थे वहीं से हमने पुल बैक लेकर 61,700 यानी 61,700 के करीब के हाइज भी देखे। फिलहाल जो प्राइस है वो 61,200 के करीब है। तो ऐसा लगता है कि जो ये पुल बैक है ओवरऑल अगर मैं दो से तीन दिनों का नजरिया लूँ तो जारी रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। डाउन साइड में चांदी में 60,400 के करीब थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास भी अगर मिलता है या 7,700-8,000 के करीब भी मिलता है प्राइस तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट यानी अगेन दो से तीन सेशन का जो व्यू है वो 62,500 का लेके चला जा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी से पूरा असर बने। अगर हम बात करें कच्चे तेल की तो आज क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर ये 8,630 पर कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है अमित जी? जी देखिए, इसी हफ्ते में या मैं कहूंगा कि पिछले हफ्ते से जो तेजी शुरू हुई है जहां पर 8,000 से लगभग हम 8,900 तक भी प्राइसेस को जाता हुआ देख चुके हैं, उसके बाद पिछले एक या दो सेशन से थोड़ी बहुत नरमी का एक माहौल बना हुआ है जिसके चलते डिप बाइंग एडवाइस करूंगा मैं। हालांकि ट्रेंड अप है लेकिन क्योंकि हम निश्चित स्तरों से बाइंग आता हुआ देख रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर जून वायदा तो फिलहाल 8,640 के करीब है, अगर वो जो प्राइस है वो 8,550-60 के बीच मिलती है तो एक बाइंग शेड की जा सकती है 8,430 के नीचे का स्टॉक लेकर, और अपसाइड में 8,780 जो कल के हाई देखे गए थे वो दोबारा हमें देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल्स मिक्स टू पॉजिटिव हैं। चाइना में धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की संभावना हो रही है, खास करके शंघाई में 1 जून से अनाउंसमेंट हुई है कि पार्शियल लॉकडाउन खुलेगा, तो इसके चलते कच्चे तेल में जो डिमांड है वो दोबारा उभर के आने की अच्छी उम्मीद बनी हुई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशंस में तेजी का एक रुख देखने मिला है। तो मैं कच्चे तेल में बाय ऑन डिप्स की सलाह देना चाहूंगा। जी, तो जैसा अमित जी ने बताया कि कच्चे तेल का बाजार अभी आगे और अच्छा देखने को मिल सकता है, इस पे बाइंग करके चला जा सकता है। अगर हम नेचुरल गैस पे नजर डालें तो नेचुरल गैस एमसीएक्स पर आज ये 646 पर कारोबार कर रही है, तो अमित जी आपको क्या लगता है नेचुरल गैस की कीमतें आगे कहाँ तक जाएंगी? जी मेरा मानना है कि नेचुरल गैस ने जब तक 615 के ऊपर प्राइस बनी हुई है तब तक शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है या फिर ट्रेंड है वो अपसाइड बना हुआ है और जो प्राइस है वो अपसाइड में 655 से 662 तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रही है। तो इसके चलते बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पर भी अपनानी चाहिए। मुझे तौर पर 630 के आसपास बाइंग करके 615 के नीचे का स्टॉप लिया जा सकता है, 655 और 662 के दो नीचे टारगेट लिए जा सकते हैं।
बात करें तो आज कॉपर 764 पर कारोबार कर रहा है और जिंक 314 पर कारोबार करता दिखा है, तो आज बेस मेटल का कारोबार लाल निशान पर दिखा है। तो अमित जी, बेस मेटल का बाजार आगे कैसा जा सकता है? जी, बेस मेटल का मेरा मानना है कि कॉपर में अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड में 768 से 770 दोबारा टच करने के लिए। कल के सेशन में हमने तेजी दिखी थी, उसके बाद शाम को काफी बड़ी गिरावट देखने मिली है, लेकिन ये जो गिरावट थी 770 से लगभग 59 की, ये मैं एक करेक्शन की तरह ले रहा हूँ। ओवरऑल पिछले 3 या 4 सेशन में हमने काफी शानदार एक रिकवरी देखी है, 740 के स्तरों से 770 तक जाते हुए देखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तेजी है ये जारी है, जहाँ पर अपसाइड में दोबारा 770 और उसके बाद 778 तक की प्राइजेस भी हमें 2 से 3 सेशन में देखने मिलेगी। जहाँ तक अर्ली एंट्री का सवाल है, मेरा मानना 768 से 770 तक के भी देखने मिले। अमित जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज के कारोबार में नॉन एग्री कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि कॉपर में बाइंग करके चल सकते हैं, और दूसरे एक बार जब सिल्वर अराउंड 60,900 के करीब मिलती है अगर, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 62,000 के ऊपर के लक्ष्य के लिए लगभग 62,500 का 1 से 2 दिनों का भी लेके चला जा सकता है। जी, तो ये तो अमित जी हमारे साथ बने रहिए। तो ये थी बात नॉन एग्री कमोडिटी की, तो अब एग्री कमोडिटी की बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्टर सीड की। तो आज कैस्टर सीड का जून वायदा ये 7,464 पर कारोबार कर रहा है। तो अमित जी, आपको क्या लगता है, कैस्टर में मुनाफा वसूली बनी रहेगी या फिर तेजी देखने को मिलेगी आगे? देखिए, पोजिशन में जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली बाय का बना हुआ है, लेकिन जैसे मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह रहा हूँ कि कुछ दिनों और ये जो एक रेंज बाउंड या दायरे का कारोबार है वो बना रहेगा, जहाँ पर जो दायरा होगा वो 7,200 से लेकर 7,600 का होगा। तो क्योंकि हम रिसेंटली 7,600 को चुके आए हैं, तो ऐसा लगता है कि हम प्राइस को हल्का सा नीचे जाकर और देख सकते हैं इमीडिएट तौर पर 7,350 और उसके बाद 7,200 तक, जिसके बाद दोबारा बाइंग इमर्ज होगी। तो आने वाले 3 या 4 सेशन में समझता हूँ एक दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा। जी, कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो जहां कपास खली 2808 पर कारोबार कर रहा है, तो अमित जी आपको क्या लगता है, कपास खली का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है, उसमें क्या कुछ करके चला जा सकता है? जी, मेरा मानना है कि यहाँ पर जो बाजार है ये एक, हालांकि कॉटन में हमें काफी अच्छी तेजी देखने मिली है वो, लेकिन कपास खली में फिलहाल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो लगभग यहाँ से करीबन 1.5 से 2 KG नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, इसके बाद प्राइस संभल सकती है और दोबारा तेजी दिखाई दे सकती है। लेकिन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 KG के दाम नीचे जाने की संभावना है इमिडिएटली। जी, कपास के भाव भी अमित जी 50,000 के ऊपर जाता दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है इस पे क्या कुछ आगे और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? जी, देखिए, एमसीएक्स कॉटन पर जो पोजिशनल अभी डिस्कस हुआ था 8,500 का, कहीं ना कहीं अपने के ऊपर ही चल रही है और वहां पर एक बेस बन चुकी है, लगभग 5,520 के करीब प्राइस है, और ऐसा दिखा रही है जो ट्रेंड है कि 52,000 तक के लक्ष्य पे हमें देखने मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अपने जो टारगेट था उसको और एक्सटेंड करके मैं 52,500 तक का एक व्यू मैं शेयर करना चाहूंगा, और ये व्यू आने के लिए हो सकता है हमें 2 हफ्ते के साथ समय लग जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाय साइड है। इमीडिएट तौर पर 48,500 का सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे जरूर चलिए जो भी निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, क्योंकि प्राइसेस पोजिशनल बेसिस पे काफी बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ से रिस्क ज्यादा है। हालांकि अब भी फायदा जो है वो बाय करने में ही इनकी पूरी तरह संभावना। अब बात करें अगर मसालों की, तो आज धनिया का जून वायदा 11,570 पर कारोबार कर रहा है और जीरे का जून वायदा ये 22,015 रुपए पर कारोबार कर रहा है। तो अमित जी, मसालों पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या लगता है तेजी कायम रहेगी या फिर मुनाफा वसूली आगे और देखने को मिलेगी? जी, मेरा मानना है कि जो हल्दी है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी और लगभग 7,900 से 7,950 तक के लेवल भी देख पाएंगे, तो यहाँ पर मुझे कमजोरी के आसार दिख रहे हैं। लेकिन जीरे में मैं समझता हूँ कि तेजी के आसार हैं,
जो पर पर हालांकि 21,800 से 21,700 के बीच दाम मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर निवेश करके चला जाए 21,400 के नीचे का स्टॉक लेकर, तो अपसाइड में 22,500 तक के न्यू रिसेंट हाई हमें देखने मिलेंगे। तो जीरा मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है बाइंग साइड में, जबकि हल्दी में मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्शन का जो दौर जो है वो एक हफ्ता और जारी रहेगा, जहाँ पर यहाँ से भी करीबन 2.5 फीसदी की प्राइसेस में देखने मिलेंगे। जी अमित जी, अगर ग्वार गम पे नजर डालें तो ग्वार गम का जून वायदा 11,812 पर कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड का जून वायदा ये 6,083 रुपए पर कारोबार कर रहा है, तो आपको क्या कुछ कहना है इस पे, क्या लगता है कि आगे कैसा रहेगा ग्वार सीड और ग्वार गम का बाजार? जी, ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही हम देख रहे हैं पिछले काफी सेशन से लगभग 200 से 250 रुपए की रेंज में या दायरे में ही सीमित है, तो इसके चलते मुझे मेरा मानना है कि दायरे का कारोबार कुछ दिन बना रहेगा, लेकिन क्योंकि हम उस दायरे के निचले स्तरों के काफी करीब हैं तो यहाँ से बाइंग की सलाह होगी। इमीडिएट तौर पर 6,220 का एक लक्ष्य होगा, उसके बाद 6,350 जो प्राइस है वो आ सकती है। सो करंट लेवल से बाइंग करके चला सकता है 5,990 के नीचे का स्टॉक लेकर, यानी लगभग 90 रुपए का स्टॉक यहाँ से होगा, और अपसाइड में इमीडिएट टारगेट जो होगा 1,420 का अलियर मिल सकता है। जी अमित जी, खाद्य तेलों के दाम भी अभी आसमान छू रहे हैं, तो इस बीच अगर आप क्या लगता है आपको कि सोयाबीन का भाव कैसा देखने को मिल सकता है, आगे कैसा बाजार जा सकता है सोयाबीन का? जी देखिए, सोयाबीन में हमने पिछले दिनों में काफी अच्छी गिरावट देखी है, लेकिन 7,100 से 7,200 के करीब आके प्राइस भी है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि दोबारा तेजी की शुरुआत होगी और 7,500 का ही इमीडिएट मैं लक्ष्य लेना चाहूंगा। उसके ऊपर भी अगर दाम निकल जाए तो 7,750 तक का जो लेवल है वो भारतीय बाजारों में मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं समझता हूँ कि जो डाउनसाइड है वो काफी सीमित है, 7,100 से 7,200 के आसपास मुझे लगता है कि जो मांग है वो दोबारा उभर के आएगी और हम 7,750 तक के मीडियम टर्म लेवल को टारगेट कर पाएंगे। जी जी अमित जी, जैसे कि इंडोनेशिया ने पाम तेल पर के निर्यात पर बैन लगा रखा है, तो इससे खाद्य तेलों के बाजार आगे और कैसा देखने को मिल सकता है, इस पे इसका और क्या असर पड़ सकता है? जी देखिए, फिलहाल काफी उसमें अटकलें लगाई गई थी और काफी जिसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप भी हुआ था कि बैन हटाया गया फिर लगाया गया, लेकिन एक चीज है कि शॉर्ट टर्म बेसिस क्योंकि मांग अभी भी है और बाजार थोड़ा टाइट है, तो मैं तेजी की तरफ उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर आप 1 से 1.5 महीने का व्यू लें या उसके बाद का व्यू लें तो ऐसा लगता है कि प्राइस जो है थोड़ी बहुत कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। करेंसी फिलहाल हालांकि मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 हफ्तों के लिए जो मांग है वो अच्छी खासी बनी हुई है, तो इसके चलते हम तेजी का असर शॉर्ट टर्म बेसिस देखने में सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म यानी 1.5 से 2 महीने का भी लेके चलने को मुझे लगता है कि बड़ा अपसाइड नहीं देखने मिलेगा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में। जी अमित जी, जैसे कि गेहूं के निर्यात पर जो बैन लगा है उसके साथ साथ जौ पे भी हमारे दर्शकों का सवाल है कि जौ के पे आगे क्या कुछ कीमतें जा सकती हैं, क्या इसका जो बाजार है वो कैसा रह सकता है आगे? जी देखा जाए तो वीट बैन के चलते हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो साफ प्राइजेज ऊपर चले गए थे, हालांकि भारतीय बाजारों में दाम नीचे आ गए थे, लेकिन एक उपलब्ध मंडी है जो या फिर वीट हो दोनों में ही मुझे लगता है कि करंट लेवल से करीबन 1.5 से 2 फीसदी की यहाँ पर भी नरमी देखने मिलेगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगी मुझे ओवरऑल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेजी है वो इवेंचुअली यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए हमें करंट लेवल से करीबन 4 से 5 फीसदी की तेजी आना होगा 2 महीनों में देखने मिलेगी। जी अमित जी, गेहूं के जो कीमतों में निर्यात पे बैन से G7 देशों के जो समूह है उनका भी इस पे उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि चीन तो इनके सपोर्ट में आया है भारत के, लेकिन और जो G7 समूह के देश है उनका इस पे उनकी खुशी नहीं दिख रही है, उन्होंने आलोचना की है, तो इस पे आपको क्या कहना है? जी डेफिनेटली देखिए, इंडिया ने भी भारत ने कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए हैं, क्योंकि US से भी इसकी आलोचना हुई थी, या हमने ये कहा था कि हम इस चीज पे चिंता जताई गई थी या नजर रख रहे हैं, ऐसा बयान दिया गया था, तो उसके चलते भारत में जो एटलीस्ट पोर्ट्स पे जो जो कंटेनर्स है या फिर जो ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट के लिए रेडी था जो शिपमेंट्स थी उसके लिए कम से कम 6 दिनों के लिए बैन जो है हटाया गया था, तो
डेफिनेटली एक एक चिंता की बात तो है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर है उसके चलते हम जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएस हुआ या फिर फ्रांस या फिर जर्मनी, उनसे हम कहीं ना कहीं विपरीत एक कड़ी लेके चल रहे हैं। और अब ये जो मुद्दा है ये भी थोड़ा गर्म होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इस चीज पे डेफिनेटली भारतीय जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान देना जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं समझता हूँ कि भारत में जो इन्फ्लेशन है या महंगाई दर है उसके ऊपर भी काबू पाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं भारत की गवर्नमेंट ने जो एक फैसला लिया है वो लोकल रेसिडेंट्स के हित में है, हालांकि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसको भी ध्यान देना पड़ता है, तो काफी फाइन लाइन में कहूंगा यहाँ पर है। लेकिन जो पहला प्राथमिकता जिसे हम कहते हैं, पहला जो प्रेफरेंस होगा वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होगा, तो उसके चलते मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक सही निर्णय लिया गया। जी अमित जी, अगर दालों की बात करें तो भारत ने हाल ही में प्रमुख दलहन किस्म के आयात के लिए रूस और कजाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करने का फैसला किया है, इस पे आपकी कुछ राय है? जी फिलहाल मैं दालों का जो सेगमेंट है फिलहाल ट्रैक नहीं कर पाए तो उसमें कमेंट। ओके ओके अमित जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि आज एग्री कॉमोडिटी में मुनाफा मिलेगा या आगे क्या कुछ करके चल सका जा सकता है इस पे? जी मेरा मानना है कि एमसीएस कॉटन में जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि चीजी की तरफ रुख है, लगभग 52,000 से 52,500 तक के लेवल है, तो यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ग्वार सीड में करंट लेवल से करीबन 2.5 से 3 फीसदी की एक फीसदी दिखाई दे सकती है, तो ग्वार सीड भी फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी मार्केट टाइम्स टीवी के साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो बाजारों की चाल में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अहम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।